आओ बच्चों, आज मधु दादी आपको गणेश जी की एक दंत होने की कहानी सुनाएगी। तो बच्चों, आपको गणेश जी की आरती आती है? तो चलो थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। बच्चों, मैंने आपको आरती थोड़ी ही सुनाई है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि गणेश जी को एक दंत भी बोला जाता है। आप जानते हैं क्यों? एक दंत का मतलब है उनका एक दांत टूटा हुआ था। तो बच्चों, इसके बारे में कई कहानियां हैं, पर मैं आपको सिर्फ दो ही सुनाऊंगी। एक बार ऐसा होता है, आपको ये तो मैंने बताया, गणेश जी बहुत शैतान थे, बहुत शैतानियां करते थे, अपने भाई से लड़ते भी थे। तो वो अपने भाई कार्तिकेयन को बहुत तंग कर रहे थे। एक दिन कार्तिकेयन को मौका मिला, उसने लगा दी गणेश जी की पिटाई, और इतनी पिटाई की कि उनका एक दांत टूट गया। तो इसलिए उनको एक दंत भी बोला जाता है। अब दूसरी कहानी में कहते हैं, एक बार परशुराम जी शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत आए, और गणेश जी की आदत है हर बात में शैतानी करनी, तो उन्होंने परशुराम जी को आगे नहीं जाने दिया। परशुराम जी ने उनको बहुत समझाया, पर गणेश जी नहीं माने। आखिर में परशुराम जी ने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा, यानी चैलेंज दिया, और गणेश जी कम थोड़ी थे, उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों में बहुत युद्ध हुआ। अब क्या हुआ बच्चों? परशुराम जी को जो फारसा था ना, वो गणेश जी के दांत में लग गया और दांत टूट गया। तो इससे भी इनका नाम कहते हैं एक दंत पड़ा। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, आपके भी तो भाई बहन होंगे, कजन्स होंगे, लड़ाई भी होती है, फिर प्यार हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी लड़ते हो, कभी खेलते हो, मगर बच्चों कभी भी आपस में मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, ये बुरी बात है। आप देखो ना, कार्तिकेयन जी ने अपने भाई को मारा और उनका दांत ही टूट गया। तो आप कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे ना बेटा? तो बच्चों, कहानी सुन के मज़ा आया? अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दादी जल्दी जल्दी आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आएगी। आप सब को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।